brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आम आदमी पार्टी के वकील अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के वकील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऋषिकेश। ऋषिकेश, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मंगलवार को जो हुआ ऐसा लग रहा था कि आज भी समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि उन्हें 1 जून तक अंतरिम राहत दी गई है, जमानत मिल गई। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो आइटम नंबर था वो आइटम नंबर 50 था। कोर्ट लंच के बाद जैसी रिज्यूम हुई और कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर रहे हैं। उसके बाद हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ये आदेश जो है सीधे जेल को भेजा जाए और जेल सुपरिटेंडेंट से को डायरेक्शन दी जाए कि वो उसको वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी को उनको रिलीज किया जाए, क्योंकि कोर्ट के जरिए अगर हम ये जाते जो ट्रायल कोर्ट के जरिए तो शायद वक्त लग सकता था। कोर्ट ने जो है हमारी बात को मान ली। संजय सिंह के मामले में शर्तें तय की गई थी कि उनका पासपोर्ट देना होगा, बाहर नहीं जा सकते हैं, फोन की ट्रैकिंग होगी। अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या शर्तें तय हो गई हैं और आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया हमारे पास, ठीक है, लेकिन अगर ये आदेश जो है सीधा जेल सुपरिटेंडेंट को जाता है तो जो भी शर्तें होंगी वो सामान्य शर्तें होंगी, जैसे मुचलके की शर्तें हो सकती हैं, और ऐसा कोई भी जो है कंडीशन जो संजय सिंह जी के मामले में लगाया गया था वैसा कोई भी कंडीशन जो है यहाँ पे अभी नहीं लगाया। शर्त आपको लगता है कि होंगी? और जाहिर सी बात है कि क्या सीधे जाएगा आदेश या फिर पहले राउज़ अवेन्यू कोर्ट तो आना ही होगा? नहीं, क्योंकि जब हमने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि सीधे जो है जेल सुपरिटेंडेंट को ये ऑर्डर जो है कम्युनिकेट किया जाए, कोर्ट ने हमारी बात को माना है एंड ऑर्डर विल बी डायरेक्टली कम्युनिकेटेड टू जेल सुपरिटेंडेंट एंड देयर बाय ही विल बी रिलीज फ्रॉम देयर। क्या होगा, कितने बजे तक अरविंद केजरीवाल जो है उनके बाहर आने की उम्मीद है? आपकी कानूनी तौर पर क्या तैयारी है? तिहाड़ जेल प्रशासन से क्या आपकी लीगल टीम की बातचीत हुई है? क्या समय आप उम्मीद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आज बाहर आएंगे, कल आएंगे? पहले तो हम आदेश जो है डिटेल ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। डिटेल ऑर्डर अपलोड होगा, उसके बाद ये ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट तक जाएगा, फिर हम जेल सुपरिटेंडेंट से कॉन्टैक्ट करके ये पूछेंगे कि अगर आपके पास ऑर्डर आ गया है तो उसकी कंप्लायंस में हमें क्या क्या सबमिट करना है, फिर ये कागज सबमिट होगा। ये सब करते कराते जो है थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि हम इसमें जो है अपने प्रोसेस को जो है एक्सपेडाइट करेंगे और आज शाम या देर शाम तक जो है उनको रिलीज करेंगे। ईडी के वकील ने काफी विरोध किया, बहुत ज्यादा, वो शुरुआत से विरोध कर रहे थे, आज भी उन्होंने विरोध किया और सॉलिसिटर जनरल भी अपियर हुए तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी विरोध किया और उनके तमाम विरोध के बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री बेल ग्रांट कर। आगे आपको क्या लगता है कि क्या केस पर इसका असर पड़ेगा, या फिर क्योंकि अभी तो ये आप गिरफ्तारी के खिलाफ गए हैं, रिमांड के खिलाफ गए हैं, आगे आपको लगता है रास्ता आसान होगा क्योंकि चार्जशीट की बात हुई है, हलफनामे की बात हुई है? सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा, इतना हमें कह सकता हूँ। ऋषिकेश हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कानूनी बातों का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूट सकते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन।